हम मलीर में इस वक्त मौजूद हैं, सफाई मुहिम जारी है। एहतजाजी सफाई मुहिम में सैकड़ों गाड़ियां लेके उतरे जीएफएस बिल्डर वालों ने स्पॉन्सर किया। मैं क्यों रो रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखिए। लोग आते हैं ना यूसी काउंसिल के दफ्तर पे, सर मेरा इलाका साफ करवा दें, मेरा मोहल्ला। देखिए यूसी काउंसिल के सामने रोड पर भी जगह नहीं है। ये रोड है, दो रोड होते हैं ना, एक रोड बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए सफाई हो रही है, ये सारी गाड़ियां लगी हुई हैं जेडीसी की, जो जीएफएस बिल्डर के तावन से सफाई हो रही है। इतना ये एक रोड बंद है, ये देखें, ये पूरा एक रोड कचरे से बंद है। वो सामने देखें दो बड़े एक्सीवेटर वो लगाए हुए लोडर, वो काम कर रहे हैं, आप देख लें। और ये सारे डंपर लोड हो के जा रहे हैं, मकसद सिर्फ आपको दिखाने का है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा ना, वो देख लें किस तरह से ये कराची शहर की रोडें हैं, पूरी पूरी रोड बंद कर दी आपने, मेन रोडें। ये हाल किया है रोडों का। अभी सफाई मुहिम में आज सैकड़ों गाड़ियां लेके उतरे हैं रोडों के ऊपर, कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहर को जिस हद तक भी साफ कर सकते हैं। आज मलीर का एरिया है, अगर और मुखैर हजरात और बिल्डर्स और एसोसिएट्स और रियल इस्टेट कूदे हमें सपोर्ट करें, यकीन करें हम इस एहतजाजी मुहिम में ही पूरा शहर साफ कर देंगे। लेकिन ये देखें आप क्या हाल किया है स्कूलों के सामने, ये है बच्चों का मुस्तकबिल। अस्पतालों के सामने बच्चा पैदा होगा तो अस्पताल के बाहर कचरा, बच्चा मरेगा तो कब्रिस्तान के बाहर कचरा। क्या हालत की है कराची के लोगों की। मैं आपको ये यूसी काउंसिल के दफ्तर के गेट के हालात दिखा रहा हूँ। दुनिया के किसी मुल्क में अगर ऐसा हो कि एक पूरी सड़क ही बंद कर दी जाए कचरे के नाम से, मलीर की हालत दिखा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको। लेकिन झंडा लगा हुआ है, जीएफएस बिल्डर का नाम लिखा हुआ है, उनका शुक्रिया लिखा हुआ है जेडीसी की सफाई मुहिम में। ये सारा कचरा बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ से उठा के डंपरों में डाला जा रहा है और ये रोड पूरी क्लियर की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं। ये डंपर भरते जाएंगे खाली होकर वापस आएंगे सारे। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर को भैया।